आम शहर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथम हेडलाइंस खोलिबो रसकिया नकली डाक्तरों कला कारनामा पांच दिनिया रिमांड रे कला रमेश स्वईं खोलिबो 30 वर्ष रे इतिहास सोमवार भुवनेश्वर बांधिथिला पुलिस द्वितीय पर्यायर सर्वाधिक 78.3% भोटिंग सुवर्णपुर सर्वाधिक 85.67% 9 जिले में 80% अधिक मतदान निर्वाचन कमिशन सचिवों सूचना ओडिशा रे बेंगल फंडा मुर्मूस अवस्था सरपंच प्रति उधार हाथ गोड़ बंधा अवस्था चूलमणि बैठा को उधार कले ग्रामवासी चिकित्सा बलांगीर को स्थानांतर श्रीकाकुलम रणस्थलम ओलटिला टूरीजिम बस 40 जन पर्यटक आहत ओडिशा केरल और तमिलनाडु जाते पर्यटक आहतों को स्थानीय हस्पिटाल भर्ती राजधानी में बाल्य विवाह उद्यम पंट विवाह बेले नाबालिका उद्धार कला चाइल्ड लाइन नकली आधार कार्ड दे परिवार विवाह करउथिबा अभियोग आज ओडिशा आसुछन्ति राष्ट्रपति 2:45 रे भुवनेश्वर पहुंचे अपराह करेंगे श्रीजू दर्शन पूरी गौड़िया मठर गोस्वामी प्रभुपाद आविर्भाव दिवस सामिल राज्य में 600 तौक खसला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 534 पजिट सुंदरगढ़ सर्वाधिक 121 खोर्धार 93 आक्रांत सेपटे पुणि 18 जीवन नाला भाइरस आसिया संपूर्ण खबर को पांच दिनिया रिमांड रे रसिक ठक डॉक्टर रमेश स्वईं महिला थाना पुलिस झारपड़ा जेल रे पहुंची रमेश को रिमांड रे नीचे सात दिन रिमांड पर आवेदन करथिला पुलिस हेले हाई कोर्ट पांच दिन रिमांड पर अनुमति देते तेज रिमांड बेले रमेश रो 30 वर्षर गुमर खोजिबो पुलिस गत सोमवार रमेश को भुवनेश्वर गिरफ करथिला कमिश्नरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड पांचदिनिया रिमांड रे रसिक ठक डॉक्टर रमेश स्वईं ए बाबद अधिक आलोचना पाई आम सहित रिपोर्टर रोशन रथ जोड़े रही रोशन अधिक अपडेट कौन आसुछि देखो माधुरी ठक नर्सिकिया डाक्टर रमेश स्वईं को आज पांच दिनिया रिमांड रे नीचे महिला थाना पुलिस एवं तार ट्रैक रिकॉर्ड गत 30 वर्षर ट्रैक रिकॉर्ड को यही पांच दिन रिमांड भितर खोलताल करा जीवो जो भाव में आप जानते जे गोटे परे गोटे दिन तार गोटे गोटे गुमर खोल लगी प्रथम 14 स्त्री कथा सामने को आसला पर 17 संख्या पहुंचला इबे पर्यंत जहां पुलिस पाखे सूचना रही 18 जन को विवाह कर महिला मान सहित खेली ठके कर बड़ कथा और आश्चर्य कथा हूँ जे से आहुरी 20 युवती सहित संपर्क विवाह सहित डेट फिक्स कर सारी कोटी कोटी टंकार ठकई कर पूर्वरु केरला एर्नाकुलम पुलिस द्वारा अरेस्ट हो सारा हैदराबाद टास्क फोर्स 2011 मसीह गिरफ करता एमबीबीएस चाकरी देवा नाँ ठकई करिया मामलें एवं ओडिशारे आपड़ी देखिए केवल गोटे जिला नुह कटक ढेंकानाल एवं बौद्ध विभिन्न जिलूर खबर आसूची जे क्या नर्स रे चाकरी कराई देवा नाँ क्या एमबीबीएस चाकरी कराई देवा नाँ क्या क्या से लखनऊ में एडमिशन कराई देवा नाँ ठकी सब जिनसर बर्तमान खोलताल कर स्वतंत्र टीम पुलिस प्रस्तुत कर जो महिला मान सहित से जोजोग रहता जो जो घरे रोला से सब कु सर्च करा चली जो भी भाव में जो जो मानू महिला मानू से ठकई करवाह करू कथा पुलिस जो इनफर्मेशन पाऊँ आधार कर तदंत कर पांच दिन रिमांड पुलिस गुरुत्वपूर्ण कारण एपर्त पुलिस हाथ में जी सुराग लगी पांच दिन रिमांड भितर आहरी कि तथ्य गुरुत्वपूर्ण तथ्य लगिपे जहां सूचना मिलूँ
रमेश को एभली ठकई अभियोग तार संपर्क मान तार भौणी भेणे तार जन ड्राइवर थे मैंने करते जो ठक पैसा आसला निज भितर सेयारिंग करा कि जगार इनभेस्ट करा तेणु तार जो मैंने संपर्क रही जो मैंने साय करते क्योंकि खोजाखोजी चली क्यों क्यों जगार बैंक ट्रांजाक्शन क्यों क्यों जगार से ठकईर पैसा इनभेस्ट कर बिल्कुल रोशन आउ गोटे कथा सामना का सूची जे ये गोटे वर्षर कथा नुहे पाखापाखी 30 वर्षर गुमर खोजिबो पुलिस तो पुलिस पई केते चैलेंजिंग रहिबो देखो तो निश्चित भाव में जो ठक जहां 65 वर्ष बयस पुलिस गिरफ्त करती जो व्यक्ति जनक 65 वर्ष बयस पखापाखि 18 जन को ठकई विवाह कर ठकी तेणु गत 30 वर्ष भितर से क्यों क्यों जगार रही है क्यों क्यों महिला मान सहित संपर्क आबे केबे देखा करने को जाती कहाठू के ठकई करज को कौन परिचय दे महिला मान ठकी बह पर सहित संपर्क रखी थे ना ना से सबू पुलिस चैलेंज हम सबुठ बेसी चैलेंज हम देखु सी पखापाखि 8 राज्य महिला ठकी छत्तीसगढ़ आसाम महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दिल्ली बिल्कुल ये पुलिस कौटना कौटे गोटे बड़ चैलेंजिंग सृष्टि कर बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपंकर तमाम सूचना परवर्ती खबर को ढिंकियारे पुणी उत्तेजना पांच जन आहत पारादीप ढिंकियारे पुणी उत्तेजना होता खबर आँचुची तेज मारपीट रे पांच जन आहत होती जेएसडब्ल्यू प्रकल्प सपक्षवादी आक्रमण में पांच जन आहत और जड़े सामाजिक कर्मी समेत पांच आहत होता सूचना रही हाइकोर्ट टीम सदस्य को भेटा जाए आक्रमण होता जमापड़ हाइकोर्ट टीम और पुलिस उपस्थित आक्रमण हो तेरे घटनास्थल में चापा उत्तेजना लग रही पुलिस मुतयन होती स्थित परखा पर ढिंकिया जा हाइकोर्ट पांच जनिया टीम स्थित परखा पर हाइकोर्ट को देवे विस्तृत रिपोर्ट आम आपको एक्सक्लूसिव चित्र देखाऊ जो कि बर्तमान देखो कि गंडगोल चली अर्थात एठार बर्तमान चापा उत्तेजना लग रही ये दृश्य आसुच्छे ढिंकियारूर एवं सुधा पांच जन आहत होता सूचना आँचुची तेरे पारादीप ढिंकियारे पुणी थे उत्तेजना हो मारपीट और गंडगोल चित्र सामना को आसुच्छे आपण मैंने टीवी स्क्रीन माध्यम एक्सक्लूसिव चित्र देखिपुर जे जेएसडब्ल्यू प्रकल्प सपक्षवादी आक्रमण में पांच जन आहत होती जड़े सामाजिक कर्मी समेत पांच आहत होता जहाँ सूचना से पहुंचुच्छे ए बाबद अधिक सूचना सहित विश्वजित आम रिपोर्टर जोड़े रही विश्वजित बर्तमान स्थिति किभली रही उत्तेजना थमिला देखो तो माधुरी बर्तमान स्थिति सामान्य नियंत्रणाधीन रही किंतु किसी समय पूर्व एटी जो हाइकोर्टर जो पांच जनिया टीम गठन होता से पहुँची थे हाइकोर्टर जो पांच जनिया टीम को भेटापी ए ग्रामवासी किसी विपक्षवादी जो जेएसडब्ल्यू प्रकल्प किसी विपक्षवादी लोक मैंने भेटा को आसी किंतु एटी किसी सपक्षवादी लोक आक्रमण करते आक्रमण में प्राय 4-5 जन आहत होती गोटे छोट झी आहत होता जहाँ सूचना रही जड़े सामाजिक कर्मी और अन्य किसी महिला और पुरुष आक्रमण हो आक्रमण शिकार आहत हो तेरे पांच जनिया टीम जो आसी एटिकी एटर स्थिति परखीबो एवं किसी दिन मध्य से हाइकोर्ट को रिपोर्ट देबे एवं केमिति कौन स्थिति अच्छी तार मध्य रिपोर्ट देबे तबे जो माने आसी भेटा को जो माने विपक्षवादी आसी हाइकोर्ट टीम को भेटा को किंतु एठी एक प्रकार चापा उत्तेजना प्रथम रु लगी रही है और लोक मूर आक्रमण कराइला तेज पुलिस पहुंची स्थिति निज नियंत्रण को नहीं उपजिला आलोचना कर माधुरी विश्वजित कहीं परिस्थिति घटना घटला देखो आम प्रथम रू भी देखी आसूल आप गत मस देखि जो ग्रामवासी मैंने जाऊँ पानबरस पाखक से समय पुलिस से अटकई जेहेतु जेएसडब्ल्यू प्रकल्प पुलिस लगातार ये छाउणी रही लोक मैंने लगातार प्रकल्प को विरोध करुं तेणुक पुलिस से दिन गत 14 तारिख में लाठीचार्ज करता से पखापाखि 100 पखापाखि लोक आहत होते अनेक लोक दीर्घ दिन धरी घर को फेरी नए कौटी जंगल लुसला किए कौटी रही तेज से ही
ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟର ଟିମ୍ ଢିଙ୍କିଆ ଆସିଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଢିଙ୍କିଆ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗତ ଦିନରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷବାଦୀ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆଜି ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଅନରେବୁଲ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ କମିଟି ଆସିଥିଲେ ହିୟରିଂ ବେଳେ କ'ଣ ବଚସା ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜିନିଷ ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କହିବି କ'ଣ କିଏ କହିଲା କିଏ ବିରୋଧ କଲା ଏମିତି ହେଇକିରି ମତାନ୍ତର ଭିତରେ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଜଣେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଛୁ ଶତପଥୀ ଭାଇନା ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ଯାହାର କିଛି ହେଇଥିବ କେତେ ଆମେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ନେସେସରୀ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ବଚସା ଟସଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କୁଲ୍ଡାଉନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯିଏ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ନିମାଇ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଠର ବାଙ୍କୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାଧୁରୀ ଓକେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ସପକ୍ଷବାଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠର ବାଙ୍କୀ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବୋଲି ମାନସ ରଞ୍ଜନ କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଓକେ ବିଶ୍ୱଜିତ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖଣା ହାରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଉପୁଜିଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଏପରି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଫେରି ଆସିଛି ଢିଙ୍କିଆରେ ଢିଙ୍କିଆ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଫେରି ଆସିଛି ତ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଟିମ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଅଟକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଟିମ୍ ଏଠି ବସିଥିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଆଟାକିଂ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ ବାହାରୁ ଗାଁରୁ ଆସୁଛ ଢିଙ୍କିଆ ତା ନିଜ କଥା ବୁଝିବ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଢିଙ୍କିଆକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଏମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଲେ ଏକଥା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଢିଙ୍କିଆ ଜବାବ ମାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଫେରି ପାଇଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଫେରି ପାଇଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ରହିଛି ରହିଥିବ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ମୃଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ବା କିଛି ମୃଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୁଧବୁଧରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୁଇଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:25ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ଲୁବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାରିକେଟରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ ରାଜଭବନରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାହ୍ନ 4:00ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:00ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି 5:45ରେ ବାହାରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଛୁଟି ନେବେ ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ପୁନର୍ବାର ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ
राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाए। प्राय 40 प्लाटून पुलिस फोर्स सह 200 अधिक ऑफिसर राष्ट्रपति सुरक्षा व्यवस्था नियोजित रहे। अंपटे आसंता अर्थात 20 तारीख में राष्ट्रपति श्री चैतन्य गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद त्रयवर्ष व्यापी 150तम आविर्भाव महोत्सव में जोगदे श्रद्धापाली अनुष्ठित विश्व वैष्णव सम्मेलन में मुख्य वक्ता भाव उद्बोधन देते। बाबदर अधिक सूचना आम सहित आम रिपोर्टर आलोक आशुतोष जोड़ रही। आलोक आज किसी समय अपेक्षा प्रस्तुति किभ देखुं निश्चित माधुरी आउ किसी समय अपेक्षा आउ किसी समय पर अर्थात अपराह्न 3:25 जोगे 25 समय रे महामहिम राष्ट्रपति स्वतंत्र विमान ये तालबणिया स्थित हेलीपैड रे अवतरण करें। आम पूरा पूरी दृश्य देखा चाहिए आप देखुं आम अच्छे बर्तमान तालबणिया स्थित हेलीपैड रे एठार ही 3:25 मिनिट रे राष्ट्रपति स्वतंत्र विमान जितेबाड़े अवतरण करते सांगे सांगे राष्ट्रपति क्यारकेट जोगे सीधासलख राजभवन नियाजी आपन देखुछन क्यारकेट संपूर्ण रूपे प्रस्तुत रही अधिकारी माने संपूर्ण रूपे प्रस्तुत रही डॉग स्क्वाड ठू आरंभ कर बम स्क्वाड समस्ते गोटे प्रकार सजग रही पूरा पूरी कड़ा सुरक्षा बलय मध्य पूरी सहर को रखा एवं जितेबाड़े राष्ट्रपति एठाकू 3:25 आसबे सेतेबाड़े सीधासलख क्यारकेट जोगे चक्रतीत रोड देकर सीधासलख राजभवन को जी राजभवन में किसी समय अतिवाहित कर सारे विश्राम नाप 5:00 श्रीमंदिर अभिमुखे बाहर और 5:00 श्रीमंदिर सिंहद्वार निकट में जितेबाड़े राष्ट्रपति स्वतंत्र क्यारकेट पहुँचव सेठे स्वागत करेंगे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार छत्तीसा निजोगर महानायक जनार्दन पाटजोशी महापात्र राष्ट्रपति जी रही कौलिक पंडा नारायण गोचिकार ताकू सेठारे महाप्रभु लगी खंडुआ वस्त्र प्रदान करपर से राष्ट्रपति सपरिवार को सीधासलख श्रीमंदिर भितर को 5 निजाव श्रीमंदिर भितर पखापाखी माधुरी आप जानते 5:00 to 5:45 अर्थात 45 मिनिट पर्यंत श्रीमंदिर महाप्रभु दर्शन करने गर्भगृह को जी महाप्रभु दर्शन करेंगे और यहसह विभिन्न पार्श्व देवादेवी मंदिर तथा लक्ष्मी मंदिर माँ विमला मंदिर दर्शन करार जहाँ गस्त सूची रही निश्चित भाव में समस्त मनरे बेस खुशी माहौल देखाई किंतु जदि आम सुरक्षा व्यवस्था कथा माधुरी कहे पखापाखि पूरी सहर प्रत्येक गली प्रत्येक छक पुलिस पैंतरा मारुची एवं पखापाखि 40 प्लाटून पुलिस फोर्स 200 वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिबे जो माने राष्ट्रपति कड़ा सुरक्षा व्यवस्था को तदारख करिबे एवं आपण जानिछन्ति जेहेतु आमे तालबणिया स्थित हेलीपैड रे अछु एठारे सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण कड़ाकड़ी करा जाइछि व्यापक मात्रा रे सुरक्षाकर्मी एठारे नियोजित रहिछन्ति संधानी कुकुर मध्यम एठारे उपस्थित रहिछ एवं सबटुर बड़ कथा होछि केन्द्रांचल आईजी एवं अतिरिक्त डीजी निजे मध्यम गतकाली आसीथिले हेलीपैड को आसी पूरा पूरी स्थित अनुधान करथिले जेहेतु राष्ट्रपति ग्रस्त रहिछि पुरी को सबुरी महल रे तत्परता जेतिकि प्रकाश पाइछि प्रशासनिक स्तर में तत्परता प्रकाश पाई विशेषकर जिला प्रशासन हो पुलिस प्रशासन हो श्रीमंदिर प्रशासन हो समस्ते राष्ट्रपति गस्त को नहीं बेस उत्साहित रही विशेषकर जेहेतु आप जानते आज 5:00 to 5:45 दीर्घ 45 मिनट पर्यंत श्रीमंदिर राष्ट्रपति समय अतिवाहित करेंगे महाप्रभु आशीर्वाद भिक्षा करेंगे कोरोना महामारी किभली भाव सारा जगत रू टी जाऊ से नहीं महाप्रभु निकट में प्रार्थना करेंगे और बड़ कथा हूँ जो हेरिटेज करिडर प्रकल्प आप जानते श्रीमंदिर मेघनाथ पाचेरी 75 मीटर चौहदी मध्य जो हेरिटेज करिडर प्रकल्प चली आम कहीपर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक राष्ट्रपति को अवगत करेंगे कि आप जानते राष्ट्रपति यह हूँ तृतीय गस्त या पूर्व 2018 राष्ट्रपति आसी पुरी और परवर्त पर्यायर 2021 आसते आज आसुच्च राष्ट्रपति पुरी सर्वमोट जदि आम कह राष्ट्रपति यह हूँ माधुरी तृतीय गस्त से सबुरी महल में तत्परता प्रकाश पाई प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची अपेक्षा रही राष्ट्रपति आगमन को आपण जानते आसंता काली राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति एक विशाल सभार उद्बोधन देवार कार्यक्रम रही जेहेतु आसंता काली हूँ श्रील प्रभुपाद जे रही भक्ति सिद्धांत 150तम आविर्भाव दिवस गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ाकड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपम सूचना वर्तमान आसंत नजर पकाइबा बीजेपी प्रेस मीट पर कर्मी भाव व्यवहार कराऊ शासक दल भोट पैंका एवं शासक दल प्रचार प्रसार पे दुईट जाक काम पे मिशन शक्ति एक राज्यस्तरीय अधिकारी माने ये काम लगी आम पाखे ये तथ्य पहुँची डीपीएम बीपीएम एमबीके सीआरपी
ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁକା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ 25,000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଋଣ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ରାଶି ସରକାର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସେ ସରକାର ଦେଇଛି। ଇଏ ରାଶିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି ବୋଲି ଇଏ କଥାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଇଏ ଆଚରଣ ବିଧି ସମୟରେ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ସେମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚାରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଆକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିନା ଭୋଟ ହାତେଇବାରେ କେଉଁଠି ବି ତିଳେ ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ଇଏ ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଇଏ ମନୋଭାବ ଇଏ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଏବଂ ମହାସଂଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେତେ ଥର ପଇସା ନେଉଛି ବା କେତେ ଥର କେତେ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ରିଭଲଭିଙ୍ଗ ଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ 10,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ଦିଆଗଲେ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା କଥା, ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଏ ଫଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଶାସକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏବଂ ଛୋଟ କାମ କିଛି ହେଉଛି, ସେ ରାସ୍ତା ମରାମତିର କଥା ହେଉ ବା ପୋଖରୀ ସଫେଇର କଥା ହେଉ, ଇଏ କଥାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଉଛି କାମ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ, ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଆଧାର କ'ଣ ରହୁଛି? ଆର ଟେଣ୍ଡର ହେଉନି କାହିଁକି? ଆକୁ ଟେଣ୍ଡର ଭିତ୍ତିକରେ ଏ କାମ କାହିଁ ଦିଆଯାଉନି? ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିବା, ଯିଏ ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦଳ କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବାଛିକିନା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସମାଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଇନ୍ଦୋର ନେଇଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମନ ମେ ଆତା ହେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଇନ୍ଦୋର କା ନାମ ଆତେ ହି ମନ ମେ ଆତା ହେ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜିତନେ ଅଚ୍ଛେ ଇନ୍ଦୋର କେ ଲୋକ ହୋତେ ହେଁ ଉତନା ହି ଅଚ୍ଛା ଉନ୍ହୋନେ ଅପନେ ଶହର କୋ ବନା ଦିଆ ହେ। ଔର ଆପ ସିର୍ଫ ସେବ କେ ହି ଶୌକିନ ନହିଁ ହେ, ଇନ୍ଦୋର କେ ଲୋଗୋ କୋ ଅପନେ ଶହର କି ସେବା କରନା ଭି ଆତୀ ହେ। ଆଜ କା ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେ ଲିଏ ଇନ୍ଦୋର କେ ଅଭିଯାନ କୋ ଏକ ନଈ ତାକତ ଦେନେ ବାଲା ହେ। ଇନ୍ଦୋର କୋ ଆଜ ଗୀଲେ କଚରେ ସେ ବାୟୋ ସିଏନଜି ବନାନେ କା ଯୋ ଗୋବରଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିଲା ହେ
उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा। साथियों अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबर धनी है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबर धन। समय सारे बुलेटिन को नमस्कार।